हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। समर का सीज़न है और इस समय लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से डाउन हो सकता है और साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम हैं जैसे फैंटिंग, वर्टिगो, हेडेक, वीकनेस बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड मिल सकती है आपको, टायर्डनेस मिल सकती है और देर विल बी ऑल्सो ग्रेट टायर्डनेस, ग्रेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, इस तरह का सेंसेशन भी पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है। तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, हम किस तरह से काम करते हैं, हमारी मेडिसिन की क्या सिम्टोमेटोलॉजी रहेगी, आज हम इस बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी का क्या अप्रोच होता है, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इस तरह की केसेस में और हम सक्सीड करते हैं। सो टुडे आई विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ ब्लड प्रेशर एंड आई प्रोसीड थ्रू दीज कॉजेशंस। देखिए, अगर कोई पर्सन है उसका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, है ना, दिस इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इफ़ इट इज़ लो 90/60, 90 ऊपर जो सिस्टोलिक होता है वो 90 एंड जो डायस्टोलिक है वो 60, ये हो गया है, इट मीन्स कि आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ब्लड प्रेशर जो है इससे नीचे ना जाने पाए। अगर 90/60 से ब्लड प्रेशर नीचे जाता है तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट पोजिशन। और यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि हम उस कंडीशन को मैनेज ना कर पाएँ या पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लोअर स्ट्रेंथ में चला जाए। क्योंकि होता क्या है, मेनली इसमें लो ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप है और वही ब्लड थ्रू आउट द बॉडी में सारे सेल्स में टिश्यूज में जा करके जो है वो स्प्रेड होता है। और जब भी ये ब्लड वॉल्यूम कम होने लग जाए, प्रेशर कम हो जाने लगता है, तो उस वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम का कम होना, बॉडी में वाटर वॉल्यूम का कम होना, दे मे ऑल्सो कॉज ब्लड प्रेशर। अदर कॉजेज आर देयर, है ना, अगर सॉल्ट का बॉडी में जो क्वांटिटी है वो कम हो गया तो उस वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। सो देयर आर मैनी कॉजेशन। कुछ मेंटल्स इशूज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ हुआ, पेशेंट की पूरी स्ट्रेंथ एंड लॉस हुई, उस वजह से भी हो सकता है। कई बार आप देखोगे पेशेंट्स को इस सीज़न में लूज मोशन, डायरिया हो ही जाता है, अपसेट, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा खाने में फैटी फूड्स ले लिए या कुछ भी ऐसे फूड आइटम्स ले लिए, तो देयर मे बी यू नो गैस्ट्रिक अपसेट। तो वहाँ पे कई बार लूज मोशंस, 8-10 लूज मोशन लग गए। आप ऐसे पेशेंट का बीपी देख करके देखिए, आप देखेंगे कि वहाँ पर 90/60 से भी कम बीपी मिलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखती हूँ, राइट। सो देर आर सो मैनी कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर। तो हमें मेनली अपनी ब्लड प्रेशर को 120/80 रखना है। अब होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं किस तरह से काम करती हूँ, उस बारे में बात करते हैं। मैं मेनली कॉजेशन को रूल आउट करती हूँ, किस वजह से ब्लड प्रेशर लो हुआ है। मैं कभी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहती या कभी नहीं ऐसा मेडिसिन देती जहाँ पर ब्लड प्रेशर को अपन सिर्फ ये मान लें कि भाई ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट आया, जहाँ पर इसका लो है और ये मेडिसिन है, राइट। आई नीड टू नो द कॉजेज, किस वजह से हुआ है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। जो ब्लड प्रेशर हुआ है अगर एक्यूट ओरिजिन का है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कॉजेशन क्या है। क्रॉनिक ओरिजिन का है तो उसके पीछे कॉजेशन क्या है। कॉजेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया, एक्यूट में ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि जो वो तुरंत अभी कभी की ओरिजिन होती है, तुरंत का हुआ, तो वहाँ पर हमें जो कॉजेशन है वो बहुत ईजिली हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे समर का अप्रोच हुआ, पेशेंट आपसे बोले डॉक्टर साहब मैं तो बाहर गया था और धूप बहुत तेज थी और बस मैं गया और बस घर लौट के आया, या रास्ते में ही मुझे बेहोशी हो गई, मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गया और मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो एकदम से लो हो गया। तो यहाँ पर जो कॉजेशन है, आपने देखा कि सन का एक्सपोज़र हुआ, जो सन हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उस वजह से उसका एक्सपोज़र हुआ है। तो वहाँ पर पेशेंट में या तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई, वो आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी स्वेटिंग हुई कि नहीं, और या तो सिर्फ, कई बार पेशेंट ऐसे भी बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल पसीना तो मेरा निकला ही नहीं, फिर भी मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। तो सी देयर इज सन एक्सपोजर, जहाँ पे पेशेंट को इतनी तेज इंटेंस हीट लगी और उस वजह से बॉडी में क्या हुआ होगा, डिहाइड्रेशन हुआ, है ना, हमें लॉस करते हुए स्वेटिंग नहीं दिखी बट पेशेंट में डिहाइड्रेशन हुआ, श्रिंकिंग तो एब्सोल्युटली हुई और वाटर वॉल्यूम कम होने की वजह से पेशेंट पे फैंटिंग अटैक्स आ गए, पेशेंट वहाँ पर गिर गया। अब गिरने के बाद एक पेशेंट इस सेइंग डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत टायर्डनेस लग रही है, इवन आई एम नॉट एबल टू टॉक, वो बात भी नहीं कर पा रहा, उसके अटेंडेंट बता रहे वो एकदम से यहाँ पर लेट जा रहा है, सिर को पकड़ के बोले डॉक्टर साहब बहुत हैवीनेस है, आँखों में बोले बहुत ड्राउजीनेस है, पलके जो है नीचे की तरफ गिर रही हैं, बिल्कुल भी वो जो है एक्टिव नहीं है, पूरी तरह से हो चुका है, ड्राउजी हो चुका है, थर्स्ट की अब्सेंस है एंड देर इज नो स्वेटिंग। तो आप ऐसे पेशेंट के साथ जलसीमियम के थ्रू जा सकते हैं, दिस विल श्योरली हेल्प अस।
बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी नहीं मिलती। पेशेंट का आप बीपी देखोगे तो ब्लड प्रेशर लो रहेगा, साथ ही पेशेंट आपको ये बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है, बहुत कमजोरी सी लग रही है मुझे, थकान थकान सी लगती है, सारा दिन मैं काम तो करते रहता हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती रहती है। इन दिस कंडीशन वी कैन गो विथ कैल्केरिया फॉस कि पेशेंट को कोई वाटर लॉस नहीं हुआ, बहुत सन का एक्सपोजर भी नहीं हुआ है बट उसको जैसे ही समर का अप्रोच हुआ है ही इज़ हैविंग ग्रेट वीकनेस, टायर्डनेस, एग्जॉशन, तो यहाँ पर हम कैल्केरिया फॉस के थ्रू जा सकते हैं। अदर रेमेडीज और ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको कॉजिशन में बात करी थी, अभी गैस्ट्रिक अपसेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं आप पार्टी में गए, रात में आपने कुछ हैवी फूड फैटी फूड्स ले लिया, आफ्टर टेकिंग दीज काइंड ऑफ फूड यू हैव स्टार्टेड ऑल दीज सिम्टम्स लाइक नौशिया, वॉमिटिंग, या कई बार आपको लूज मोशंस हो गए, 8 से 10 लूज मोशंस हो गए, वहाँ पर भी वाटर वॉल्यूम लॉस तो हुआ ही, साथ में जो इसेंशियल सॉल्ट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम उसका भी लॉस हो जाता है और उस वजह से बीपी एकदम से सडन लॉस हो जाता है, राइट, और साथ में वीकनेस जाती, पेशेंट वांट टू लाई डाउन, ऐसी सिचुएशन में हम सिंकोना बार चाइना के थ्रू जाते हैं और ये हमें एक्यूट अगर केस है तो वहाँ पे 30 पोटेंसी की रिपीटेटेड पोटेंसी अगर डोजेस हम देते हैं तो हमें बहुत फास्ट और फ्रिक्वेंट रिजल्ट मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल इन ऑल दीज केसेस। ऐसे केस जहाँ पर इमोशनल कॉजेज हों वहाँ पे आपको दूसरी रेमेडीज़ के थ्रू जाना होता है, उनके थ्रू काम करना पड़ता है, मेनली वो क्रॉनिक केसेस में मिलते हैं। अगर गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से, मैं और बता देना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, पेट में ऐसा लग रहा है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और इनडाइजेशन फील हो रहा हो, तो ऐसे पेशेंट के साथ हम नक्स वामिका के थ्रू जाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल।